मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के सियासी पारे को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को और गर्मा दिया। कमलनाथ ने देवास के हाट पिपलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है, इस उपचुनाव में हम घसीटे गए हैं। यही नहीं, कमलनाथ ने यहाँ तक कहा कि छोटा सौदा तो छिप जाता है लेकिन बड़ा सौदा छिपता नहीं है। कमलनाथ ने अपने भाषण में बेकाऊ राजनीति और बड़े सौदे के नाम पर भी बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मैं 15 महीने को का हिसाब देने को तैयार हूं। शिवराज सिंह भी अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए, कैसे सौदा किया और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगे। चिल्ला बोल सकते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं, आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है, 1 महीने इनके सौदे बाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए, आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। थे भारतीय जनता पार्टी, उनके जो टिकाऊ लाल है उन्हें दरी उठाने और दरी बिछाने के लिए रखा है, और जो बिकाऊ लाल है उन्हें पैसा भी दिया, उन्हें मंत्री भी बनाया और उन्हें टिकट भी दिया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चेहरे और चरित्र की पार्टी कहती थी, वो धन बल बाहुबल और लूट और खसोट की पार्टी हो गई, जिन्होंने खरीदे हुए जनादेश से बिगड़ पेड़ की सरकार बनाई है। इसे जनता